जैसा कोई ज़माना था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, सिस्ट्स हो गए और हो गए तो लोगों को बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता था और ओपन सर्जरीज, नहीं तो कैंसर बनते बनते रह जाता था। लेकिन आजकल जैसे लेप्रोस्कोपी ने तरक्की की है और आप डॉक्टर्स ने इस नए फील्ड को जो है लाकर मार्केट में बहुत ही आसान कर दिया है वो काम, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस आदमी को जिसने एंडोस्कोपी को के बारे में सोचा और लेके आए। एंडोस्कोपी इतनी कमाल की चीज़ है। अब मतलब मरीज को हम ऑपरेशन करते हैं और नेक्स्ट डे घर भेज देते हैं, इट इज़ ब्यूटिफुल। एंडोस्कोपी ने हमारी सर्जरी को चेंज कर दिया है, रेवोल्यूशन आ गई है। और पिछले 10-15 साल में ये रेवोल्यूशन एक बहुत अच्छी फॉर्म में आई है, क्योंकि हम जो एंडोस्कोपी करते हैं, पहले हमारा जो इंसीजन था या जो चीरा था, अगर हमें एक ओवेरियन सिस्ट निकालनी है तो पेट से लेके नीचे तक इतना बड़ा चीरा लगता था। उससे क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, आपकी पेन, नंबर वन तो पेन इतना ज़्यादा होता था, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रिकवरी जो थी वो बहुत लंबी टाइम लगता था, और साथ साथ इसमें हर्निया होने के चांसेस, वोंड इन्फेक्शन होने के चांस, वोंड खुलने के चांस, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। दूरबीन से हम सिर्फ छोटी छोटी दो जगह 10 mm का एक पोर्ट बनाते हैं और 5 mm के दो या तीन एसेसरी पोर्ट्स बनाते हैं, उनके थ्रू हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, 10 mm पोर्ट के थ्रू हमारा कैमरा जाता है, और हम पूरा जो काम हम इतना बड़ा पेट खोल के करते थे वो सब हम मॉनिटर पे देखते हैं। तो हमारा टीवी मॉनिटर होता है, उस पे ये सारा जो कैमरा है वो हमारे डिजीज़ को दिखाता है। इसमें क्या है, जो ओपन सर्जरी से हमारी मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैग्निफिकेशन बढ़ गई, हमारी सर्जरी और इम्प्रूव हो गई, हमारा ऑपरेटिंग टाइम ग्रेजुअली, शुरुआत में लेप्रोस्कोपी की प्रॉब्लम ये थी कि हमारे को सीखने में बहुत टाइम लगता है, इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टली हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव को धीरे धीरे हमने वो ख़त्म कर दिया है। पहले जो था कैमराज और इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कॉस्टली थे, थोड़ा उनकी कॉस्ट में भी कमी आई है। दूसरा, हमारा एक लर्निंग कर्व होता है, हर सर्जन का लर्निंग कर्व होता है, हमारे मेडिकल कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है, ऑपरेशन कराए जाते हैं, सब ओपन सर्जरी होती हैं। अब ये सारी है क्लोज सर्जरी, ये इसमें सिर्फ हम काम यहाँ कर रहे हैं और देख हम कैमरा पे रहे हैं, मॉनिटर पे देख रहे हैं, और ये है और हम फील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्किल है, ये स्किल लर्न करना में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप इस स्किल को लर्न कर लेते हो तो ये बहुत ही एक बहुत ही उमदा टेक्निक एक डेवलप हुई है एंडोस्कोपी। और मैं आई एम एंडोस्कोपिक सर्जन, मैं एक एंडोस्कोपी में 90 भगवान की दया से जो भी मैं डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट केसेस भी हैं वो एंडोस्कोपिकली कर पाती हूँ। सारे हम यूट्रस जो रिमूव करना है, हिस्ट्रेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक हिस्ट्रेक्टमी हम करते हैं, ओवेरियन सिस्टेक्टमी करते हैं, सिर्फ फाइब्रॉयड रिसोली निकालनी है। इनफैक्ट अभी मेरे को ऑपरेशन जो करना है वो अभी महिला सिर्फ 24 साल की लड़की है और 3 महीने उसकी मैरिज को हुए हैं और उसके एक बड़ी रिसोली है 12 सेंटीमीटर की। तो अब हमें यूट्रस को हमें सेव करना है और रिसोली को भी निकालना है, और मैं चाहती हूँ कि उसके पेट पे भी जो उसका निशान है वो कम से कम हो और उसकी ब्यूटी भी बनी रहे और सर्जरी भी उसके लिए बहुत अच्छी हो जाए और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रिकवरी बहुत फर्स्ट क्लास होती है। पोस्ट ऑपरेटिव में मतलब हमारे को नेक्स्ट डे हम पेशेंट को घर भेज देते हैं, 6-8 आवर्स में पेशेंट थोड़ा पानी पीना, उठना, मूवमेंट करना सब शुरू हो जाता है। तो 24-48 आवर्स में ये रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। और एंडोस्कोपी जिस जो मास्टर्स हैं एक्चुअली वो इस चीज़ को इस सर्जरी को बहुत ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और हम भी इस तरीके के कोर्सेज हम जो जिन डॉक्टर्स को नहीं आते उनके लिए करते हैं, ताकि ये एक वो अपनी रूटीन प्रैक्टिस में लेके आए, क्योंकि इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
और ग्रेजुअली जब सब करने लग जाते हैं तो क्या है, कॉस्ट कम हो जाती है। तो शुरुआत में जब हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते थे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। अब जब हमारे इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट कम हो गई, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया, हमारे नंबर ऑफ़ सर्जन्स बढ़ गए, अगर कम लोग करेंगे तो वो ज़्यादा चार्ज करेंगे, अब नंबर ऑफ़ सर्जन्स कम बढ़ गए तो हमारी कॉस्ट कम हो गई। तो पेशेंट के लिए एक बहुत ही बहुत बहुत उम्दा और बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, और मैं चाहती हूँ कि ये हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को सिखाएं। हमारा सेंटर भी ये रिकग्नाइज सेंटर है फॉक्सी का ट्रेनिंग के लिए, और मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि मैं किसी को कुछ अगर सिखा पाऊँ, कोई अच्छी तकनीक सिखा पाऊँ। तो ये बहुत अच्छा एक एंडोस्कोपी उभर के आई है, एक ब्रांच जो हम सबको अपनानी चाहिए। डॉक्टर ज्योति, आपने कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझा, और आप एक जैसे स्ट्राइविंग है ना, आपको तो भूख है इन चीज़ों की, और आप फॉरेन में जाकर इंडिया में कोई हो तो आप हर उस कॉन्फ्रेंसिस को, जहाँ से आपको कुछ भी मिलना है, आप जितना मर्जी टाइम हो जाए, जैसे मर्जी आपका हॉस्पिटल है, कैसे मर्जी आप करते रहें, लेकिन आप उन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं और नई नई टेक्निक्स, नई नई आपके मन में ये रहता है कि मैं कोई और नहीं है और नया नया, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, नॉलेज हैज़ नो लिमिट। हमारे ज्ञान का कोई दायरा नहीं है। और एक और मैं बात बोलना चाहूँगी, हम जितना सीखते हैं उतना हमें पता चलता है कि हमें कितना नहीं आता। जितना हम ज़्यादा ज़्यादा सीखते जाते हैं और हमें लगता है कि अभी तो हम कहीं पर भी नहीं है, अभी तो हमें और सीखना है। द मोर आई नो द लेस आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव नोन। सो इसलिए मुझे लगता है कि नॉलेज, और हम डॉक्टर्स तो इस तरीके के हैं कि हमारी प्रोफेशन में हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक टेक्नोलॉजी आई है तो हम उसको अपनाएं, पर हमें उसको असेस करना है, हमें सोचना है कि ये मेरे पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और उसके लिए सेफ है कि नहीं, प्लस उसके लिए उस कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि नहीं। अभी हम कोई भी नई चीज़ आई है तो हम उसके ऊपर ये नहीं है कि हम उसे ले लें और उसको हम प्रमोट करना शुरू करें। हम एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट, हमारा ये कर्तव्य है सोसाइटी के लिए कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ पहले उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, देखें, समझें, अप्लाई करें, और वो फ़ायदेमंद हो तो हम उसको अपने पेशेंट्स के ऊपर ट्राई करें। तो नॉलेज का तो मैं कहना चाहूँगी कि हम हर एक आदमी को सीखते रहना चाहिए, और हर एक दिन हमारे लिए एक नया दिन होना चाहिए, और हमें अगले दिन की वेट करनी चाहिए कि अगले दिन मैं क्या कुछ नया करूँ, क्या नया सीखूँ, जो मैं जिससे अपनी मानव सेवा, अपनी मानव जाति के लिए एक फ़ायदा कर पाऊँ। डॉक्टर ज्योति, इसके साथ साथ आप एक बहुत ही समाज सुधारक हैं, और आपके मन में रहता है कि मैं समाज के लिए भी, अगर भगवान ने आपको सुदृढ़ किया है तो आप उसके लिए हर जगह ढूंढते हैं कि हम आप सर्व कर सके। जैसे आज हम देख रहे थे कि आज जो पौधे लगाने का है, आपने आपके मन में था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीनरी करूँ, और एक पौधा लगाने का मतलब ये है कि एक नई लाइफ है जो उसको प्रोड्यूस करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।